और ये जो 12-13 हजार रुपया कमाने वाला अकाउंटेंट को पिछले 15 साल से इतनी एडजस्टमेंट की आदत हो गई कि अब अगर उसको कोई बोले ना बड़ा कुछ चाहिए, बोलता नहीं चाहिए, अपना तो रोज यही चलता है। दिस इज द प्रॉब्लम। हम में से कई लोगों को एडजस्ट करने की इतनी आदत हो गई है कि हम अभी बड़ा सपना देखना ही भूल गए। हम बड़ा सपना देखना ही भूल गए और यही है प्रॉब्लम लाइफ का। आर यू क्लियर? तो आसान है एडजस्ट करना, मुश्किल है मारुति लेना। आसान है 2 बेडरूम में रहना, मुश्किल है 4 बेडरूम लेना। आसान है हीरो होंडा में ट्रेवल करना, मुश्किल है अपना बहुत बड़ा गाड़ी लेना। आसान है ट्रेन में सफ़र करना, मुश्किल है प्लेन में सफ़र करना। और आसान चीज़ों की आदत हो गई हमको, एंड देयरफॉर बड़ी चीज़ों से हम घबराते हैं या हम क्लियर नहीं हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद लाइफ, एंड देयरफॉर योर स्ट्रेंथ इज़ नॉट योर स्ट्रेंथ। आपकी ताकत नहीं है। योर स्ट्रेंथ टू फॉर्म द हैबिट कम्स फ्रॉम योर पर्पस। आपके अंदर वो सब आदतें डेवलप आपके पर्पस से होती। तो पर्पस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप मार्केट में प्रोडक्ट बेचने या किसी को एनरोल करने नहीं जाते हो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बेचने को जाओगे और किसी को एनरोल करने जाओगे और किसी को मीटिंग के लिए बुलाने जाओगे तो वो तुम्हें इतना प्रॉब्लम सुना देगा कि तुम निराश हो जाओगे। आज के बाद आप मार्केट में इसलिए जाते हो ताकि आपका पर्पस अचीव हो जावे। जो आदमी सिक्योर लाइफ में लोगों को जोड़ने के लिए मार्केट में जाता है, जो आदमी सिक्योर लाइफ में आदमी को मीटिंग के लिए बुलाने को आदमी जाता है, जब वो आदमी को आगे वाला आदमी 4 ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन और तकलीफ सुनाता है, निराश हो जाता है ये आदमी और वो वापस आ जाता है। एंड देयरफॉर लेकिन अगर वो आदमी CG रोड में अपना 4 बेडरूम हॉल किचन 14 जनवरी 2008 3 बजे दोपहर को लेने के लिए मार्केट में जाता है और लोगों को समझाता है, जब लोग उसे झापड़ मारता है तो उसे एहसास ही नहीं होता, क्योंकि कईयों की झापड़ खाने से अगर घर आता है, अगर घर खरीदने को मिलता है किसी के, किसी 4, 8, 10, 20 आदमी का झापड़ रोज खाने से अगर घर मिल जाता है, किसी 4, 8, 10 आदमी को झापड़ खाने से अगर गाड़ी मिल जाता है, किसी 4, 8 आदमी के झापड़ खाने से ज़िंदगी में वो सब अचीवमेंट्स हो जाता है तो झापड़ खाना मंजूर हो जाता है। लेकिन कईयों को ये नहीं मालूम कि वो झापड़ क्यों खा रहे हैं। तो दिस इज़ द गेम। आपकी ताकत नहीं है। आपके अंदर ताकत आती है वो सब आदत आपको अच्छा नहीं लगता आपके पर्पस से। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्पस दैट फोर्सेस यू टू डू व्हाट यू डोंट लाइक टू डू। आपको जो अच्छा नहीं लगता वो करने के लिए आपका पर्पस आपको प्रोत्साहित करता है। इट इज नॉट योर स्ट्रेंथ। आपका ताकत नहीं है। So please understand, my dear friends, men need habits, machine needs momentum. आदमी को आदत लगती है, मशीन को मोमेंटम लगती है। जैसे एक लिफ्ट है, लिफ्ट होटल में जाते हैं तो लिफ्ट है या एलिवेटर बोलते हैं, वो लिफ्ट में हम जैसे ही चढ़ते हैं लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है तो हम क्या दबाते हैं, हम बटन दबाते हैं 4th माले का 5वां। जैसे हम बटन दबाया लिफ्ट ऊपर गया। कैसे गया? जैसे बटन दबाया लिफ्ट के अंदर एक मोटर है, लिफ्ट के अंदर एक मोटर है, बटन दबाया मोटर एक्टिवेट हुआ, लिफ्ट ऊपर चला गया। एक ट्रेन है, ट्रेन आपे आप नहीं आगे जाती। ट्रेन के आगे क्या होती है? इंजन होता है, इंजन।
ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए इंजन का आदमी, मोटरमैन इंजन को चालू करता है, इंजन एक्टिवेट होता है, वो गियर डालता है या जो भी है और ट्रेन आगे बढ़ती है, तो ट्रेन को बढ़ाती है इंजन। प्लेन है, प्लेन एयरपोर्ट पे खड़ी है, रनवे पे खड़ी है, प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट चालू करता है इंजन, और इंजन को चालू करने के बाद जब उसको पावर मिलता है तो बटन दबाता है तो प्लेन उड़ जाती है। तो प्लेन को उड़ने के लिए इंजन, ट्रेन को चलने के लिए इंजन, लिफ्ट को उठने के लिए मोटर, आदमी को उठने के लिए आदत। अब आदमी के पीछे मोटर तो नहीं लगा सकते, बोला सुबह सुबह 8 बजे साले को फोन कॉल करना है, लिस्ट बनाना है, इसको जरा मोटिवेट करते तो पीछे से उसको 7.75 का टुल्लू पंप लगा दिया तो ये सुबह सुबह एकदम बड़ा मोटिवेट हो गया, बोले किधर है कस्टमर, और उसके अंदर जान भर गई। अब अगर ऐसा कोई मोटर है और अगर ऐसा मैन्युफैक्चर हो गया किधर वर्ल्ड में तो मैं आप लोगों को फोन करके बता दूंगा। तब तक आपको ये मोटर नहीं है, आपका मोटर है आपकी आदत। आपकी आदत अगर अच्छी होगी तो आप उठ जाओगे। तो आदमी को लगता है आदत, मशीन को लगता है मोमेंटम। यू कैनॉट मूव विदाउट हैबिट्स, अच्छी आदतों के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। यू कैनॉट मूव विदाउट हैबिट्स, और सब हैबिट्स होती है, जैसे सुबह टाइम पे उठना वो आदत होती है, जॉगिंग करना वो आदत होती है, लिस्ट बनाना वो आदत होती है, कॉल करके इनवाइट करना ये आदत होती है, फॉलो अप करना वो आदत होती है, प्रेजेंटेशन पे लेके जाना वो आदत होती है, वैगन द सर्कल वो जो भी है वो आदत होती है, सब चीज आदत होती है। रोज बुक्स सुनना, बुक्स पढ़ना आदत, ऑडियो वीडियो सुनना आदत, रोज फील्ड पे जाना आदत, टीवी नहीं देखना आदत, झूठ ना बोलना आदत, बड़ा सोचना आदत, बोला हुआ कमिटमेंट पूरा करना आदत, मीटिंग लेना आदत, ट्रेनिंग लेना आदत, सब साली आदत है। और कईयों की आदत खराब है तो ये लाइफ में उठेगा नहीं। आज जो भी हैं आज हम लोग, हमारी आदतों की, तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है माय डियर फ्रेंड, तहे दिल से मैं आप लोगों को प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद पहला तो पर्पस सेट कीजिए, पर्पस सेट करने के बाद आदत डेवलप कीजिए। गेम खत्म हो गया। Men form habits and habits form future. आदमी आदत डेवलप करता है और उससे बनता है उसका भविष्य। Men form habits and habits form future. And therefore, if you deliberately, consciously, अगर जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज लिस्ट नहीं बनाओगे तो अनजाने में लिस्ट न बनाने की आदत पड़ जाएगी। अगर जानबूझ के रोज आदमी को कॉल करके इनवाइट नहीं करोगे तो अनजाने में कॉल ना करने की और इनवाइट ना करने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज बेचने को नहीं उतरोगे तो अनजाने में बेचने की आदत पड़ जाएगी। अगर जानबूझ के रोज अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए बुक्स और टेप्स और वीडियो और ऑडियो और सेमिनार अटेंड नहीं करोगे तो अनजाने में ये सब ना करते हुए अपनी काबिलियत को ना डेवलप करने की आदत पड़ जाएगी। सब कुछ जानबूझ के करना पड़ेगा। बच्चा भी पैदा करने का है तो कुछ जानबूझ के तो करना पड़ेगा ना। हेलो, मैं शादी किया ऑटोमेटिकली बच्चा पैदा हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा कैसे, ऐसा कैसा हो गया साला। हर काम के लिए जानबूझ के कुछ करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए कुछ जानबूझ के करने पड़ते हैं,
उसी तरह से डायमंड बनने के लिए कुछ जानबूझ के करना पड़ेगा, सिल्वर बनना है और सिल्वर से गोल्ड बनना है, और गोल्ड से आपको पर्ल बनना है, और पर्ल से आपको टोपैज बनना है, और वहाँ से एमरल्ड बनना है, और एमरल्ड से अगर आपको रूबी बनना है, और रूबी से डायमंड बनना है, और रोज़ आपको अगर लगातार लोग सेमिनार में आवे और लगातार आपके अचीवमेंट्स होते रहे तो आपको सब आदतें डालनी पड़ेगी जानबूझ के। अगर जानबूझ के रोज सुबह उठोगे नहीं तो अनजाने में 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक सांड के मापस सोए पड़े रहोगे। अगर जानबूझ के अगर जॉगिंग नहीं करोगे तो अनजाने में एकदम बेस बन जाएगा। अगर जानबूझ के अच्छी आदतें, अच्छा खाना नहीं खाओगे तो अनजाने में बदन में फुर्ती नहीं रहेगी। और सेल्स का काम फुर्ती का काम है, मस्ती का काम है, तो जानबूझ के तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, नहीं तो अनजाने में वो सब कर डालोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है, और वहाँ पर तुम नीचे जाने को चालू हो जाओगे। चार आदतें होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, चार आदतें होती है जो जानबूझ के डालना पड़ता है। द सक्सेस हैबिट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग आफ्टर पर्पस, एक तो जानबूझ के पर्पस लिखना पड़ेगा, जानबूझ के लिखना पड़ेगा, जानबूझ के डेट तय करना पड़ेगा, जानबूझ के जगह तय करना पड़ेगा, जानबूझ के गाड़ी का नाम तय करना पड़ेगा, कलर तय करना पड़ेगा, जानबूझ के ये तय करना पड़ेगा कि आपके नेटवर्क में कितना आदमी होना चाहिए, जानबूझ के आपको तय करना पड़ेगा। जैसे जानबूझ के ये आनंद ठाकर आज जिसके पास करीबन 5,500-6,000 लोग हैं, जानबूझ के इसने मन में सोच लिया कि मुझे डायमंड से ऊपर जाना है, और मुझे जून 25 तारीख के पहले ये नेटवर्क में 4,500 आदमी डालना है, और मुझे डायमंड बनना है, और मेरे पास सिर्फ 30 दिन है, और मैं जानबूझ के करूंगा। इसने ये टारगेट मन में सेट किया है। गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। अब ये बताइए मुझे कि जानबूझ के क्या आप इसको डायमंड बनने में मदद करेंगे? जिसका बात एक उसका बाप एक। मल्होत्रा साहब मेरे जो गुरु रहे हैं बोलते हैं, नायर जिसका बात साला एक उसका बाप एक। अभी आपने वादा किया, या वादा निभाओ या फिर बाप को ढूंढो। जिसका बात एक उसका बाप एक। नायर ने हमेशा जुबान दिया अपने बॉस को तो निभाया, जान पे खेल के निभाया। आनंद ठाकर ऐसा एक आदमी है जो पूरे इंडिया में ऐसा कोई इतना खर्चा करके, इतना एफर्ट लेके इतना आदमी को कोई नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है। जानबूझ के उसने ये किया, जानबूझ के उसने आप लोगों को यहां पर बुलाया। अनजाने में आप यहां पर नहीं आ गए बड़ौदा से, अनजाने में बंबई से आप यहां नहीं आए, जानबूझ के उसने आपको बुलाया, मेरी बात को आप तक पहुंचाया, और आपके अंदर जुनून और जोश भरने का ठेका उसने जानबूझ के मुझ में दिया, जानबूझ के आपके अंदर आग जगाने का ठेका उसने मुझको दिया, और मैं आपके सामने खड़े रह के बात कर रहा हूं ताकि आप लोग जब जानबूझ के इसको मदद करेंगे, आने वाले 30 दिन में अगर हर इंसान ने 6-6 आदमी को जोड़ा, यहां पर बैठा हुआ 1200 आदमी लोग ने अगर जानबूझ के 6 इंसानों को जोड़ा, अनजाने में एक नहीं जुड़ने वाला। अगर जानबूझ के आप वो सब करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, और आप 6 ऐसे आदमी लोगों को मिलो जो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, और उनसे वो बात करो जो वो आपसे करना नहीं चाहते, जब जानबूझ के आप इस तरह का एफर्ट डालेंगे और जान पे खेल के काम जब करेंगे तो करीबन 6,000-7,000 आदमी जुड़ जाएगा, और रातों रात एक आदमी डायमंड बन जाएगा।
जिंदगी में आज तक कभी अनजाने में कुछ हुआ नहीं है, जिंदगी में आज तक कभी कुछ गलती से हुआ नहीं है। जिंदगी में अगर कोई बच्चा 95% लाता है तो वो बेचारा जानबूझ के एग्जाम के पहले बैठ के रोज पढ़ता था, और जो आदमी 35 लाया है वो जानबूझ के पढ़ा नहीं। सब चीज अपनी आदत के ऊपर है। सो पहले तो आपको पर्पस सेट करना पड़ेगा, और फिर चार आदतें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आदत प्रॉस्पेक्टिंग हैबिट्स, जिसको बोलते हैं लिस्ट बनाना। सेकंड हैबिट कॉलिंग हैबिट्स यानी इनवाइटिंग हैबिट्स। थर्ड हैबिट सेलिंग हैबिट्स एंड फोर्थ हैबिट इज वर्किंग हैबिट्स। ये चार आदत होती है और ये चारों को आपको जानबूझ के अपने सिस्टम में डालना है, अपने अंदर डालना है, अपने पर्सनैलिटी में लाना है। सबसे पहला, तो जोर से बोलिए, सबसे पहला हैबिट लाउडली एक आवाज में, 1 2। मैं जब 4 बोलूंगा तब बोलना साथ में प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स करके, 1 2 3 4। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये चार हैबिट्स है जो आपको जानबूझ के डालनी पड़ेगी आपकी पर्सनैलिटी में। सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर कौन है मेरा प्रोस्पेक्ट्स, कौन है मेरा प्रोस्पेक्ट, और मुझे जानबूझ के क्या करना पड़ेगा, जानबूझ के मुझे क्या करना पड़ेगा। वेल, सक्सेसफुल नेटवर्क काम करने वाले जो टॉप के लीडर्स होते हैं वो एक चीज समझ गए, वो एक चीज बराबर समझ गए। सक्सेसफुल नेटवर्क वाले जो एक बात समझ गए वो क्या है कि आसान है उन लोगों को जुड़ाना जो जुड़ना नहीं चाहते। आसान है उन लोगों को जुड़ाना जो जुड़ना नहीं चाहता, मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो जुड़ना चाहते हैं। क्या कहा, आसान है उन लोगों को जोड़ना जो जुड़ना नहीं चाहते, बहुत मुश्किल है उनको ढूंढना जो जुड़ना चाहते। तो बहुत सारे लोग आसान काम करने के जो मुश्किल मुश्किल काम करते हैं वो लोग उसको ढूंढ रहे हैं जो जुड़ना चाहते हैं। और ऐसा कुत्ता अलाइव नहीं है, जिंदा ही नहीं है, जितने हैं उसको जुड़ने का नहीं है, जितना है उसको जुड़ने का नहीं है, जितने लोग हैं उसको मेरा ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आसान है उन लोगों को ढूंढना जिसको मेरी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो मर मर के मेरी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। दूरबीन लगा के ढूंढने जाओ तो मेरे को एक आदमी नहीं मिले जिसको ट्रेनिंग करना है। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो आप में से 1200 लोगों ने पिछले 6 महीने में कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने जेब से बड़ा खर्चा करके नेटवर्क के बाहर जाके अपने इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारा ट्रेनिंग करके अपने आप को डेवलप किया, ऐसा आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। और पिछले 3 महीने में महेश भाई, पिछले 3 महीने में आपने कितने सेल्स के ऊपर बुक्स खरीदे, आपने पिछले 3 महीने में कितने सेल्स के ऊपर बुक्स खरीदे, आपने 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 तो मैंने कम से कम 10 आदमी को पूछा, आपने सेल्स के ऊपर कोई बुक खरीदा? सिंह साहब को तो छोड़ो,
परसों खरीद, आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी आदतें सब सेट हो गई है, आपको वो सब आदतें हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और आप उन लोगों को मिल रहे हैं जो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, और उनसे वो बात कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। तो आपकी आदत सेट है, आपने परसों के दिन बुक खरीदा, अभी हमें 10 आइटम को पूछा, अब वो मैडम मुंडी नीचे करके बैठी है, वो ये सोच रही है कि मेरे से नहीं पूछा जाए। हाँ, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, ये पूरे 1200 आदमी में 10 आदमी से भी ज़्यादा आदमी ने एक भी किताब पिछले 1 महीने में नहीं खरीदा। आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप सो देयरफॉर दुनिया में अगर नायर साहब को ट्रेन करना है तो आपके जैसे ही आइटम लोग मिलेंगे मेरे को, जिन्होंने 1 रुपया अपना ऊपर खर्चा नहीं किया ट्रेनिंग के लिए या बुक के लिए या वीडियो के लिए। तो मुझे आपको ही पकड़ना है, और जब मैं आपके पास आऊँगा तो आप बोलेंगे मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए। तो दुनिया में जिसको ट्रेनिंग चाहिए वो है ही नहीं, जो नहीं चाहिए भरा हुआ है दुनिया। एंड देयरफॉर सक्सेसफुल नेटवर्क का लीडर्स एक बात समझ गया कि आसान है प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना उन लोगों का जो जुड़ना नहीं चाहते, मुश्किल है लिस्ट बनाना उन लोगों का जो जुड़ना चाहते हैं। जो जो दिमाग वाले नेटवर्क के लीडर्स हैं, क्यों वो लोग ये करते हैं? बिकॉज जिसको जुड़ना था नेटवर्क में वो ऑलरेडी जुड़ गया, और जिसको बिकॉज दोज हु वांट, जिसको जिसको चाहत थी, चाहत वांट, जिसको चाहत थी वो ऑलरेडी जुड़ गया, और जिसको जरूरत है उसके पास जाओ तो ना बोलेगा। जिसको जरूरत है, नीड, नीड यानी जरूरत, वांट यानी चाहत, यानी जिसको चाहत है वो ऑलरेडी नेटवर्क में जुड़ गया। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको चाहत वाले लोग नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ कौन मिलेगा? जरूरत वाले लोग। और जरूरत वाले लोगों को जैसे हम बोलेंगे, एक्चुअली उसको जरूरत है, उसको एक्चुअली जरूरत है लेकिन चाहत नहीं है, उस जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करना है हमें, उस जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करनी है, नीड को वांट में कन्वर्ट करनी है। हर आदमी को गाड़ी की जरूरत है, चाहत नहीं, तो उस जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, और चाहत वाले को मिलोगे तो वो जुड़ जाएगा, जरूरत वालों को मिलोगे वो जुड़ेगा नहीं। और दुनिया में सब जरूरत वाले ही हैं, चाहत वाला तो खुद ही कर रहा है, उसको कोई किसी की जरूरत नहीं है। एंड देयरफॉर तुम्हें कौन मिलेगा आने वाले 10 सालों में? कौन लोग मिलेंगे जिसको सिर्फ जरूरत है, चाहत नहीं है? तो सबसे पहली आदत, प्रोस्पेक्टिंग करो और ऐसे आदमी को ढूंढो जिसको सिर्फ जरूरत है, चाहत नहीं, और अपनी बात और अपनी पर्सनैलिटी और अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स और अपने कंपनी के बैकग्राउंड और अपने लीडरों के साथ मुलाकात करके उनके अंदर उस जरूरत को चाहत बना लो।
ऐसे लोगों को ढूंढ के जिसको नीड है और वांट में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन ऐसे लोगों के खोज में निकलना जो एकदम डिस्परेटली या पागलपन के साथ नेटवर्क में जुड़ना चाहता था, ऐसे लोगों को मिलना बहुत ही मुश्किल है। देयरफॉर आज के बाद मुझे, जब मैं सेल्समैन था, मुझे बहुत आसान था उन लोगों को मिलना जिसको मेरी वैक्यूम क्लीनर नहीं चाहिए, और मैं उसी को ढूंढ रहा था जिसको वैक्यूम क्लीनर नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको चाहिए उसने ऑलरेडी खरीद लिया है। जिसको चाहिए उसने तो फोन करके, मार्केट में जाके, दुकान में जाके, अब्रॉड से खुद ही खरीद लिया, और जितने इंडिया में लोग बचे हुए थे उसको मेरी वैक्यूम क्लीनर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस वैक्यूम क्लीनर खरीदने के बाद उसको क्या फायदा होगा इसका कुछ एहसास ही नहीं था उसे। तो हमारा काम है उन लोगों को मिलना जिसको सिर्फ जरूरत है, चाहत नहीं। और अगर ऐसा जब हो गया तो आज का प्रोस्पेक्ट आज के बाद कौन हो गया? अगर यह बात हो जाती है तो आज के बाद आपका प्रोस्पेक्ट कौन हो गया? इंसान के माफक दो पैर से साथ चलने वाला कोई भी आइटम कहीं पर भी मिल गया तो आज के बाद आपका प्रोस्पेक्ट हो गया। कोई भी आपका प्रोस्पेक्ट बन गया, क्योंकि जब भी आप उसके पास जाओगे वो किस चीज से चालू करेगा? मुझे नहीं चाहिए। ये तो शुरुआत है आगे बढ़ने के लिए, तो पहला ना से ही शुरुआत होती है। हर मोहब्बत की शुरुआत भी ना से ही होती है। एंड देयरफॉर आप आज के बाद ऐसा कोई आदमी को ढूंढने के चक्कर में नहीं जाओ जो आपको बोले, महेश भाई आप किधर थे? मेरे को तो नेटवर्क में जुड़ना था, मैं कितने साल से आपके इंतजार में था, आप किधर थे? चलो 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 जल्दी से बताओ क्या फॉर्म भरने का। ऐसे लोगों के इंतजार में भी ना रहना, ऐसे लोगों को ढूंढना ही नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी अंतिम संस्कार हो चुका है। अब जितने बचे हुए हैं इस दुनिया में, जितने बचे हुए हैं, जिसको तुम मिलोगे वो ना से ही शुरू करेगा। उसने ना बोला तो खुश हो जाना, क्योंकि प्रोग्रेस हो रहा है। मैं कभी हाँ बोलने के इंतजार में कभी था ही ना, हाँ बोलने वाला आदमी को ढूंढ ही नहीं रहा था, उसके लिए मुझे कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई। मैं तो ना बोलने वाले को ही ढूंढ रहा था, उसको ही तो मैं हाँ बुलवाऊंगा। वहां तो मैं अपनी कलाकारी वापरूंगा ना, अपना नॉलेज वापरूंगा, अपना कंपनी वापरूंगा, अपना लीडर का एडिफिकेशन करके उसको वापरूंगा, अपने सेमिनार में लेके जाऊंगा, उसको लेके आके उसको गर्म करूंगा, ठंडा है वो, उसको मैं गर्म करूंगा ना। तुम बोलते हो एकदम रेडीमेड आइटम चाहिए, अरे सबको गर्म करना पड़ता है, सबको लाना पड़ता है, बहुत बड़ा काम है वो। एंड प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। अब पहला हैबिट तो हो गया ना कि आपके पास अभी प्रोस्पेक्ट की तो कोई कमी नहीं। गुजरात शहर के अंदर या मुंबई में इंसान के मापक दो पैर से घूमने वाला कोई भी आइटम को पकड़ सकते हो आप, क्योंकि वो तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है, और वो तुम्हें जाने या ना जाने, क्योंकि मामा के पास जाओगे वो भी ना बोलेगा, दोस्तों के पास जाओगे वो भी ना बोलेगा, और जो अनजान आदमी है वो भी ना बोलेगा। तो कोई टेंशन ही नहीं लेने का, सब ना से ही शुरू होने वाला है। तो खुश रहने का, क्योंकि आज तक कभी कोई आदमी हां बोलने वाला 22 साल में नहीं मिला। किसी को मेरी वैक्यूम क्लीनर नहीं चाहिए,
किसी को मेरा फायर एक्सटिंग, मैं जब भी जाता ना आग बुझाने का और डब्बा बेचता था मैं, फायर एक्सटिंग्विशर। तुम मेरे को बताओ, ये जो 1200 लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से कितने लोगों के लाइफ में आग लगी है, एक्चुअल आग? हाथ उठाओ। मतलब कोई आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया भयंकर और आप उसमें से बाहर निकल गए, ऐसे कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 1200। अब जब मैं वो जो मशीन लेके इनके पास जाऊं ना, मैं बोला सर सीज फायर, ये तो लपक लेंगे मेरे को, क्योंकि इनकी जली है। अब बाकी जो 1195 आदमी जो इधर बैठा है, 1195, उसकी तो कभी जली नहीं। उसको मैं बोल रहा हूं तेरी जली तो ये वापरना, बोलता है लेकिन जलेगी नहीं, इतने साल में जली नहीं तो अब कैसे जलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मैं गधा हूं तो मैं 5 जन को ढूंढ रहा हूं। मैं अक्कल वाला हूं, मैं इनको ढूंढ ही नहीं रहा हूं। मैं किसको ढूंढ रहा हूं? 1100 क्योंकि अगर ये 5 मिल भी गया तो भी मेरी गाड़ी नहीं आएगी। आर यू विथ मी? ये मिल भी गया, इसको मैं कितना बेचूंगा? 5, 10, 25, 20। लेकिन मैं अगर 1100 आदमी के पास गया तो मैं 300 को तो बेच सकता हूं, तो मेरी गाड़ी आएगी उन लोगों से मिलके जो मुझसे मिलना, और उनसे वो बात करके जो मुझसे करना। ये गेम मेरे को समझ में आ गया, लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके लिए मेरे को 12, 15, 25 साल से कभी कोई धोखा नहीं हुआ सेल्स में, क्योंकि मैं मिला ही उस आदमी को जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, जिसको मेरी प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, जिसको मेरे साथ जुड़ने का ही नहीं है। तेरे को नहीं जुड़ने का है, लेकिन मेरे को जुड़ाने का है ना। तो ये बात जो ठोक के क्लियर हो जाता है आपके मन में, और जब आप किसी को जुड़ाते हो तो कोई को किसी को बर्बाद करते हो, यस और नो? नो। जब मैंने अगर किसी को वो बेच दिया, और अगर मैंने किसी को ट्रेनिंग दे दिया, और मैंने अगर किसी को वैक्यूम क्लीनर बेच दिया या एक्वागार्ड बेच दिया, तो कोई गुनाह नहीं किया। इनफैक्ट वो लेने के बाद उसको बड़ा मजा आता है, उसका जीवन उसके बिना अधूरा था वो ऐसा बोलता है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से वापरता है। जब तक किसी को मालूम नहीं पड़ता कोई चीज़ की जरूरत क्या है, तब तक वो उसको नकारता है। एंड देयरफॉर आज के बाद यू हैव टू डेवलप प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स। लिस्ट बनाओ सभी। हम लोग कैसे लिस्ट बनाते हैं? अच्छा, ये मामा, मामा तो गधा आदमी, उसके पास जाके फायदा ले। ये चाचा, चाचा तो सलाह इसके बात करके फायदा ले। ये अंकल, ये तो पहले ही रोएगा। ये यार, ये तो कोई लिस्ट ही नहीं बन रहा है। सोचता हूँ कल ही बनाओ, अभी थोड़ा चीनी कम देख के आता हूँ। ये पीछा, क्योंकि वो बनाने के टाइम पे सोच रहा है कौन लेगा और कौन नहीं लेगा। यही सोच के बनाने का, एक भी नहीं लेगा। टेंशन ही नहीं है ना, कोई नहीं लेगा। किसी को नहीं चाहिए, तेरे साथ जुड़ने का नहीं है, लेकिन अपने को जोड़ने का ना यार। ये क्लियर रहना चाहिए। ये जिसमें क्लियर है, जो उसको जुड़ाने पे तुला हुआ है, जो जुड़ना चाहता है, उसमें तुम्हारी कलाकारी का कोई प्रदर्शन ही नहीं होगा, तुम्हारा पोटेंशियल का एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं होगा। उन लोगों को जुड़ाने में मजा आएगा जो जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर आपको अपनी आंखों को, आवाज को, बदन को, इंटेलिजेंस को, कंपनी को, प्रोडक्ट को, सब चीज को वापरना पड़ेगा, और वहां पर आपकी काबिलियत का दर्शन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड। अब कॉलिंग हैबिट्स। अब आपने लिस्ट बना दिया, लिस्ट बना दिया किसका? किसका? ऐसे इंसानों का जो तुझको मिलना नहीं चाहता और तेरे से
वो बात करनी नहीं चाहती जो तू उससे करना। स्वाभाविक है जब तू उसको इनवाइट करेगा तो वो क्या बोलेगा ना? पक्का बात है? पक्का? कोई डाउट? वेरी गुड। सो कॉलिंग इनवाइटिंग हैबिट्स में मैंने जो सीखा है, अनलेस यू डेवलप deliberately the habit of calling on people who are able to buy but unwilling to listen. अगर जानबूझ के अगर आपने आदत नहीं डाली उन लोगों को मिलने का जो खरीद सकते हैं लेकिन सुनना, अगर जानबूझ के ऐसी आदत नहीं डाली उन लोगों को मिलने का जो खरीद सकते हैं लेकिन सुनना, अगर जानबूझ के वो आदत नहीं डाली उन लोगों को मिलने का जो खरीद सकता है लेकिन मिलना, तो अनजाने में कौन सी आदत डालोगे? अगर जानबूझ के ये नहीं डालोगे तो अनजाने में कौन सी आदत आ जाएगी? तुम उन लोगों को मिलोगे चलो मैं वापस रिपीट करता हूं अगर जानबूझ के तुमने इफ यू डेलिबरेटली अगर ऐसी आदत नहीं डाली उन लोगों को मिलने का जो खरीद सकते हैं या अपने साथ जुड़ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो नॉटिंगहम हो या लैपटॉप हो या कोई भी हो, अगर जानबूझ के हमने ऐसे आदमी लोगों को मिलने की आदत नहीं डाली जो अपना खरीद सकते हैं लेकिन मिलना, अनजाने में कौन सी आदत डाल दोगे? नहीं, अनजाने में कौन सी आदत पड़ जाएगी? उन लोगों को मिलने की जो खरीद नहीं सकते हैं लेकिन सुनना चाहते हैं। अगर जानबूझ के उसको नहीं मिलोगे जो खरीदने का ताकत रखता है या मना के उसको खरीदने का ताकत हम पैदा कर सकते हैं, अगर ऐसे आदमी को मिलने की आदत नहीं डालोगे लेकिन ऐसा आदमी सुनना नहीं चाहता है, तो अगर ये आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में ऐसे लोगों को मिलोगे जो आपसे मिलके बात सब सुनेंगे लेकिन जुड़ेंगे नहीं। सो अनजाने में यू वुड हैव फॉर्म द हैबिट ऑफ कॉलिंग ऑन पीपल हू आर विलिंग टू लिसन बट अनएबल टू बाय। सो हमेशा खरीदने वाले को मिलने जाओगे तो वो मिलना नहीं चाहता, न खरीदने वाला है वो फुर्सत में बैठा है आपकी बातें सुनने को। तो अगर तुम्हें कोई आदमी बोलता ना, अरे आओ यार सब समझाओ मेरे को, हेलो तुमको आगे से बोल रहा है आओ 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 मेरे को सब सुनना है, उसके पास तो जाने का ही नहीं क्योंकि वो आइटम साला टाइम वेस्ट है, वो टाइम वेस्ट है, वो उससे आपको कभी कोई फायदा नहीं क्योंकि उसके पास बहुत फुर्सत है, वो जुड़ने वाला ही नहीं है, वो सब सुन लेगा, खरीदने वाला ही नहीं है। हमेशा देयरफॉर उन्हीं लोगों को बुलाओ जिनके पास कैपेसिटी है जुड़ने का और खरीदने का, लेकिन जब आप उसको मिलने जाते हो वो आपको नकारता है, ना बोलने वाला ही आपका सही प्रोस्पेक्ट है। उसको मनाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ना बोलने वाला ही आपका सही प्रोस्पेक्ट है। एंड ये कहा जाता है जब ऐसे आदमियों को मिलोगे जो आपसे मिलना नहीं चाहता और वो आदमी के साथ आपको वो बात करनी है जो वो करना नहीं चाहता, तो रिजेक्शन तो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे आदमी तो रिजेक्ट तो करेगा ही आपको। तो ये रिजेक्शन से बाहर आने के लिए बहुत साल पहले एक रिसर्च हुआ था जिस रिसर्च का नाम है 8x73 सर्वे। एक सर्वे हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर
और इस रिसर्च का नाम है 8x73 सर्वे। 8x73 सर्वे, 8x73 सर्वे में पहला तो मैं आपको 8% वाली कहानी सुनाता हूँ और बाद में मैं 73 पे जाता हूँ। एकदम ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको समझ में आएगा। 8x73 में ये कहा जाता है कि अगर 100 सेल्स के बंदे हैं, 100 नेटवर्क के लोग हैं, 100 अगर नेटवर्क के लोग हैं, 100 बंदे हैं, तो 44% सेल्स पीपल जो है नेटवर्क में, जैसे उनको पहला झापड़ मिलता है कस्टमर से, वो गिवअप कर देता है, वो गिवअप कर देता है। जैसे मैंने आपको फोन किया, समझो मैंने आपको फोन किया और मैंने आपको बोला कि मेरे को आपसे मिलना है, आप मेरे को बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को दिलचस्पी नहीं है, तो मैं वैसे बोलता हूं ओके सर, थैंक यू। तो ये कहा जाता है कि सेल्स में 100 सेल्स के अगर बंदे हैं तो उसमें से 44 लोग जैसे पहले रिजेक्शन मिल जाता है, फर्स्ट रिजेक्शन या पहला झापड़ मिलता है, फोन पे हो सकता है या किसी के घर में हो सकता है या फिर सेमिनार में हो सकता है। जैसे ये सब सेमिनार हो गया तो हम उसको बोलते हैं चलिए अभी आपको तो सेमिनार तो बहुत बढ़िया लग गया ना, तो चलो जुड़ते। वो बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ सुनने आया था। तो उसने एक झापड़ मारा या फिर हमने फोन किया तो वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर सेमिनार सुन के हमको उसको कांटेक्ट करने को नहीं हुआ क्योंकि सेमिनार से वो दूसरे दरवाजे से निकल गया और अगले दिन हम उसके घर में पहुंचा तो उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो पहला झापड़ जैसे ही मिला 44% सेल्स पीपल मेंटली फिजिकली गिव अप कर देते हैं और बोलते हैं ये तो जुड़ने वाला नहीं है, छोड़ो इसको। भले ही फिर आप उधर बैठ के 15 मिनट 20 मिनट उसके घर में बैठ के इधर उधर की बातें भी आप करेंगे, लेकिन आपने पहले ही रिजेक्शन में मन बांध लिया कि ये आदमी जुड़ने वाला नहीं। ये वो सेल्समैन लोग हैं जिन्होंने कभी कोई नेटवर्क के बारे में पढ़ाई नहीं की, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना पर्पस लिखा नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन के प्रति कंप्लीट डेडिकेशन दिखाया नहीं है, ये वो लोग हैं जो बस जुड़ गए और पड़े हैं सिस्टम में। आई डोंट नो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहले ही रिजेक्शन में आप गिव अप कर देते हैं। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि कुछ और सेल्स के बंदे हैं, अच्छा 100 में से अगर 44 लोग ने पहले रिजेक्शन में गिव अप कर दिया तो कितने बच गए, कितने बच गए, 56। नाउ 56 की कहानी बताता हूं। इसमें से 22% सेल्समैन वो है जो पहला झापड़ मिलता है तो बहुत बढ़िया जवाब दे देता, लेकिन सेकंड झापड़ कस्टमर मारता है तो वो गिव अप कर देता। जैसे कोई कस्टमर ने बोला फोन पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को दिलचस्पी नहीं, जब हमने उसको फोन किया बोला ठाकर साहब मेरा नाम संतोष नायर है, मैं सिक्योर लाइफ से बोल रहा हूँ, या जो भी आपका इंट्रोडक्टरी एक डायलॉग होता ना, क्या डायलॉग होता है आपका, सपोज आप मेरे को मिलना चाहते हैं और सिंह साहब ने मेरा नाम आपको दिया है और आप मेरे को सेमिनार के लिए बुलाना चाहते हैं या आप मेरे को घर में मिलना चाहते हो, तो आपका पहला डायलॉग क्या होता है, करेक्ट, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता हूँ, तो और मैं आगे से आपको बोल रहा हूँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को इंटरेस्ट है ही नहीं। तो दो टाइप के सेल्समैन होता है, एक जो फोन बोलता है अच्छा ठीक है सर जब भी इंटरेस्ट होगा तो आप मेरे को बता देना, दूसरा एक जो होता है थोड़ा फाइट करने वाला, वो जो पहला वाला सेल्समैन हो तो गिव अप कर दिया। ये जो 22% सेल्समैन है जब इसको कोई आदमी बोलता है या कोई औरत बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो एक धुआंधार आंसर देता, क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को दिलचस्पी नहीं है,
आपने फोन किया ये बोल के कि मिस्टर नायर मेरा नाम आनंद ठक्कर है, आपका नाम मेरे को अरविंद सिंह साहब ने दिया था और मेरे पास एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इस सिलसिले में आज शाम को 6 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और मैंने आपसे कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पहला वाला जो 44 वाला सेल्समैन, उसने क्या किया, फोन रख दिया, बोला यार ये तो होने वाला नहीं है, इसको पहला रिजेक्शन या सेमिनार हॉल के अंदर मिला या फिर किधर भी मिला ये रख देता है। लेकिन कुछ कड़क सेल्समैन होते हैं, कुछ अच्छे सेल्समैन होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, वो 22% होते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्शन तो बराबर हैंडल कर लेता है। बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है। सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक किसी ने भी आके मेरी कंपनी आपके लाइफ का और आपका फ्यूचर को किस तरह से बना सकता है और आपके फ्यूचर को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है और आपको एक हसीन लेवल पे कैसे लेके जा सकता है और आपका वेल्थ मल्टीप्लिकेशन और वेल्थ क्रिएशन कैसा हो सकता है, इसकी गहराई में किसी ने भी आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं समझाया होगा। आज शाम को 6 बजे जब मैं आपको मिलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और आपको कहाँ आना है, जिससे कि आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा। उस सुनने के बाद मेरा 100% विश्वास है कि आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। पहला वाले ने क्या किया, पहले वाले को बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो इसने रख दिया, बोले ओके सर जब भी इंटरेस्ट होगा बताना। सेकंड वाले ने बोला सर आज तक कभी किसी ने आके आपको आपके फ्यूचर के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में और उसको कैसा बढ़िया तरीके से जीना है और अगर आपके पास पैसा है तो वेल्थ को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसे का अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं, इसकी गहराई से किसी ने आपको समझाया नहीं होगा। आज शाम को 6 बजे जब मैं आपके घर में आके ये सब बातें बताऊंगा, मेरा विश्वास है मिस्टर नायर आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ऐसा डायलॉग आप मारते हैं तो वो आदमी बोलता है मैं बहुत बिजी हूं। तो ये झापड़ नंबर कितना हो गया। दूसरा, कितने लोग पहले झापड़ में भाग गए, कितने लोगों की कैपेसिटी है एक झापड़ बर्दाश्त कर, दो झापड़ बर्दाश्त करने की, 22। उसने एक बर्दाश्त किया, जवाब दिया, लेकिन दूसरा जैसे ही मिला बोला आई एम वेरी बिजी। तो दो टाइप के सेल्समैन होते हैं, एक जो बोलता है सर आप फ्री कब होएंगे, बोलता 20 साल के बाद, ओके सर तो फिर 20 साल के बाद मिलते हैं। सर आप कब मिल सकते हैं, बोलता मैं मिल नहीं सकता। सर क्या हम मिल सकते हैं, बोलता नहीं मिल सकते। सर पॉसिबल है शाम को मिलना, बोले नहीं। मतलब अपने क्वेश्चन के अंदर ही ना बोलने की गुंजाइश थी। जब कस्टमर ने बोला आई एम वेरी बिजी, सो ये पूछता है सर आप फ्री कब होंगे, किसी इंसान को ये नहीं पूछना है कि आप फ्री कब होते हैं। सो ये लोग जो है सेकंड वाले, इनकी कैपेसिटी एक झटका खाने की है, दूसरा झटके में ये गिव अप कर देते हैं। 16% ऐसे सेल्समैन होते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे बुक्स उन्होंने पढ़ा है, बहुत सारे ऑडियोज और वीडियोस इन्होंने देखा है, सुना है। ये अच्छे कलाकार हैं, डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, नेटवर्क में काम करने में बिलीव करते हैं, गहरे लोग हैं। इनको जब कस्टमर ने बोला
पहला झापड़, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इन्होंने बोला, सर इसलिए ही मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने भी आके सिक्योर लाइफ की गहराई और आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन हम ला सकते हैं इसके बारे में किसी ने आपको बताया नहीं होगा। आज शाम को 6 बजे जब मैं आपको मिलूँगा, 100% आपको हमारे और हमारे कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में विश्वास हो जाएगा, और इसीलिए मैं आपसे 6 बजे मिलना चाहता हूँ। विल 6 बी ओके और 7 बी फाइन। कस्टमर दूसरा झापड़ मारा, मैं तो लेकिन हाँ वो सब बराबर है आनंद भाई, लेकिन मैं तो बहुत बिजी है। मिस्टर नायर, आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी है और कल भी बिजी रहने वाले। बिजीनेस तो प्रोग्रेस की निशानी है और मुझे खुशी है कि मैं एक बिजी आदमी और प्रोग्रेसिव आदमी से बात कर रहा हूँ, लेकिन लाइफ में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज आते हैं, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं जिसको हम बिजी शेड्यूल में गंवाना नहीं चाहिए। और देयरफोर आप ये बिजी शेड्यूल में ये अपॉर्चुनिटीज को ना गवाए, लिए ही आज शाम को 6 बजे मिलके यही बिजी शेड्यूल में ही आपको एक नई दुनिया, एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया दिशा दिखाने का मैं एक कोशिश करूंगा। एंड देयरफोर क्या 6 ठीक रहेगा कि 7 विल बी ओके? आदमी बोलता है आने के पहले एक बार फोन कर देना, तो ये बेचारे को कितना बार झापड़ मिला अभी? तीसरा। पहला कौन सा था? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा झापड़, मैं बिजी हूं। तीसरा झापड़, आने के पहले एक बार फोन कर देना। और हम में से कई गधे एकदम खुश हो जाते, बोले हाँ मिल गया मिल गया, हाँ सर फोन कर दूंगा। अबे सलाम, फंस गया। एक थोड़ी देर और कोशिश करता फोन पे तो तुझे अपॉइंटमेंट मिल जाता। आदमी ने तेरे को घुमा दिया, तू घूम गया। तो ये भाई साहब की कितनी कैपेसिटी है झापड़ खाने की? तीसरे पे मर जाता है। लेकिन है ना, 10% ऐसे सेल्समैन होते हैं जिन्होंने गंगा घाट, जमुना घाट, घाट घाट का पानी इन्होंने पिया है। बहुत लोगों को फोन लगाया है, बहुत बुक्स वगैरह पढ़ा है, बड़े बड़े नेटवर्क लीडर लोग के साथ घूम के ये घाट घाट का पानी पी के बैठा हुआ एकदम कड़क और पावरफुल सेल्समैन है। इसने नेटवर्क को समझा है, इसमें लोगों को देखा है, इसने कई ना बोलने वाले को अंदर किया है। इसको जब लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन मैं आज शाम को आपको मिलना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक किसी ने भी आके सिक्योर लाइफ आपके जीवन को किस तरह से बदल सकता है और आपके फ्यूचर में किस तरह की रंगीनियां ला सकती है ये बारे में किसी ने आपको समझाया नहीं होगा। और आज शाम को 6 बजे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेरा 100% विश्वास है कि आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। कस्टमर बोलता आई एम वेरी बिजी। सर आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी है और कल भी बिजी रहने वाले। बिजीनेस तो प्रोग्रेस की निशानी है, लेकिन ऐसे बिजी शेड्यूल में जीवन में आने वाले बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को हजारों आदमी गवा देते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि एज ए बिजी पर्सन आप ये अपॉर्चुनिटी को गवाए। और जब आप ये अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपका बिजी शेड्यूल को कम बिजी कैसे किया जाए, उसका फैसिलिटी भी यही अपॉर्चुनिटी के थ्रू उभर के आ सकता है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज शाम को 6 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आदमी बोलता है एक काम कर, आने के पहले फोन कर देना। बोला सर आपके ऐसे बिजी आदमी को बार बार फोन करके मैं तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, आज शाम का 6 बजे का अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म है, फिक्स है। किसी कारणवश मिस्टर नायर आप मुझसे नहीं मिल सके, तो एक काम करना सर, आपकी सेक्रेटरी या असिस्टेंट या आप किसी को भी बोल के हमारा जो अपॉइंटमेंट है उसको रीशेड्यूल कीजिए, लेकिन आज का शाम का अपॉइंटमेंट फिक्स है। सर मेरा नंबर जल्दी से लिख लीजिए सर, 9820127481। तो सर 6 बजे शाम को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि फिर इसको बोलते हैं मेरे पास अभी पैसा नहीं है, वो एक और छोड़ देता है।
बोले आप मेरे को बुलाएंगे उसमें जुड़ने के लिए पैसा लगे, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तो ये बोलता है सर कब तक आएगा पैसा? वो बोलता 200 साल लगेंगे। बोले ठीक है सर फिर चलता हूँ मैं, क्योंकि इसका जूस निकल गया। इसका जूस कितने में निकला? चौथे में। कस्टमर ने पहला झापड़ मारा, इसने रिटर्न मारा। कस्टमर ने दूसरा मारा, इसने रिटर्न मारा। कस्टमर ने तीसरा मारा, इसने रिटर्न मारा। कस्टमर ने चौथा मारा, इसका वारंटी खत्म हो गया। लेकिन तो कितने लोग भाग गए? एक झापड़, दो झापड़, तीन या चार, फोन पे या घर के अंदर भी किसी को मिलो ना तो भी वो चार झापड़ मारता है। और अगर कोई सेमिनार में मिल जाओ, सेमिनार खत्म होने के बाद जब अपन उसको कॉर्नर में लेके जाके क्या बोलते हैं वैगन द सर्कल करते हैं, उसको अंदर लपेटे में लेने जाते हो, वो अपना तांडव चालू करता है। अभी नहीं ले सकता हूँ, अभी मैं बीवी को पूछूंगा, अभी ये करूंगा, अभी वो करूंगा। वो अपना हम में से जो एकदम दुखी आत्मा होते हैं वो पहले में बोलता है साला फालतू में इसको बुलाए, इसके शक्ल से मेरे को मालूम है जुड़ेगा नहीं करके, ऐसा बोल के हम उसको नकार देते हैं। कोई कोई जो है थोड़ा कड़क है, एक झापड़ मिला वो वेन्यू में उसने पटा दिया, दूसरा मिला ये निराश हो जाता है, बोलता है यार ये मेरे को नहीं लगता जुड़ेगा। एक ऐसा कैटेगरी का सेल्समैन होता है जो कोई और थोड़ा कड़क है, उसको एक झापड़ मिला, दो मिला, खड़ा था वो, तीसरा मिला तो बोलता अब सहा नहीं जाता, इतना मत मार, अब नहीं सहा जाता यार। कोई कोई है जिसको एक झापड़ मारो, दो मारो, तीन मारो, चौथा मारे तो बोले बस यार मैं सोचता हूं नेटवर्क से मैं ही निकल जाऊं करके। तो कितने लोग हैं जो या तो एक झापड़, दो या तीन या चार में छोड़ देते हैं? कितने लोग हो गए टोटल? 92, 44 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 10, तो कितने बच गए? हाँ, तो 92% ऑफ पीपल या तो पहला झापड़ में, दूसरा झापड़ में, तीसरा या चौथे में सेल को या कन्वर्जन को गिवअप कर देते हैं। वो वेन्यू में हो सकता है, फोन पे हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है, लेकिन ये गिवअप जरूर करते हैं ये 92% पीपल। कितने बच गए? 8%। ये वो लोग हैं जिन्होंने गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, साबरमती सभी घाटों का पानी पिया। इन्होंने पानी पिया ही नहीं है, कईयों को पिलाया है इन्होंने। ये खुद नहाए भी है उधर। ये खुद नहाए भी है और बहुतों को नहलाया भी है, होलसेल में नहलाया है। इसको तू एक झापड़ मार, दो मार, तीन मार, चार मार, पांच मार, तू मार मार के थक जाएगा, ये खा खा के थकेगा नहीं। इसको तू कुछ भी बोल, इसके पास जवाब है। तू बोल पैसे नहीं है तो वो ये जवाब दे, तू बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा तो ये जवाब देगा, तू बोलेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं है तो जवाब देगा, मैं बिजी हूं ये जवाब देगा, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं ये जवाब देगा, कि तू नेटवर्क जुड़ के डायमंड बन के मर साला। मतलब ये आदमी को जो गंगा के तट पे खड़े रह के उड़ी मारने वाला था आत्महत्या को, ये उसको बोलता रुक जा बेटा इधर, एक काम कर डायमंड बन जा, उसके बाद मैं तेरे को खुद यहां लाके और वो आदमी जुड़ के डायमंड बन के आत्महत्या कर देता है। मतलब इसकी इतनी कैपेसिटी है, ये बहुत ही खेला हुआ, पढ़ा लिखा, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी बुक्स लिखे हैं, अंग्रेजी में जितने बुक लिखे, हिंदी में जितने बुक लिखे, सबको इसने पढ़ के चाट लिया। इसको अंग्रेजी का एक वर्ड नहीं आता। इसने क्या किया है,
इसने 4,000 रुपया का एक आइटम को भाड़े पे रखा है, जिसको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, ये उसको बुक खरीद के देता है। बोले तू पढ़ मेरे को समझा। बोले मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन अगर ये बुक में, अगर ये बुक में नेटवर्क मार्केटिंग का ये बुक के अंदर अंग्रेजी में लिखा हुआ 25 आइडिया है, ये आइडिया मेरे को चाहिए, मेरे को पढ़ने को नहीं आता, तो ये 4,000 में एक आइटम को बिठा देता है। बोले 4 बुक दूंगा, एक एक बुक का 1,000, तेरा काम है बुक पढ़ना, तू बीकॉम किया है ना, तो ये बुक पढ़ मेरे को समझा, हिंदी में समझाना, गुजराती में समझाना। तो बोलते ना बहुत ही, क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही पागल आदमी, इसको तुम हरा नहीं सकते, इसको तुम हरा नहीं सकते, इसके पास बेशर्मी की डिग्री है, इसको शर्म आती नहीं है, इसने सभी ऑडियो वीडियो सब सुन लिया है, जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं सब अटेंड करता है ये, जितने बड़े बड़े खिलाड़ी है उनके जाके सलाम मार के उनसे सब सीख के आता है, ये नेटवर्क का किंग बोला जाता है। और यही 8% लोग हैं जो 80% बिजनेस लाते हैं नेटवर्क में।